An Academy. Let's crack it. So, यहां पर आपको अभी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है सभी को, एक बार बता देंगे यार कि स्क्रीन सर दिख रही है हमें, आवाज हमें आ रही है? सो एक बार मैं चाहूंगा कि आप ये समय में मुझे बता दें, ठीक है? मेरे हिसाब से स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है, एक बार बता देंगे यार कि स्क्रीन सर दिख रही है हमें, आवाज हमें आ रही है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल सब सही दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो यार, मैंने वेबसाइट कल आपको बताई थी यूपीएससी की, तो आपको वहीं पे जाना है, ठीक है? यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, आवाज आ रही है सभी? ठीक है, ठीक है। अभी सबसे पहले अपने को देखना है वेबसाइट, तो ये वेबसाइट है, ठीक है? यूपीएससी online.nic.in, इसको याद रख लो यार, ये आप एडमिट कार्ड के लिए भी चाहिए होगी, बहुत बार आपको ये चाहिए होगी, ठीक है? मैंने क्लिक किया तो ये यूपीएससी का जो फॉर्म जहां से हम फिल करते हैं वो पेज हमारा खुल जाता है। यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर हमें देखना है, हमें फॉर्म फिल करना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी थर्ड लाइन में है, इस पे अपने को क्लिक करना है। यहां पर बता दिया गया है दोस्तों कि कौन सा एग्जाम अभी है, तो एग्जाम का कोड है CSP, आपको पता है, ठीक है? आपका सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम है, तो ये हमारा कोड हो गया दोस्तों। एंड इसी के साथ मैंने कल आपको बताया था कि यहां दो प्रकार की सर्विसेज होती हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला तो प्रिलिमिनरी एग्जाम CSP का, ठीक है? दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, वो भी अलग से होता है, ठीक है? आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे कि आप दोनों एग्जाम जो है दे सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब ये किस किस ईयर के लिए, 2022 के लिए नोटिफिकेशन का यहाँ पर आपको देखो दोस्तों नोटिस नंबर दिया हुआ है, नोटिफिकेशन की डेट कल आया था तो सबको पता है दोस्तों। लास्ट डेट क्या है दोस्तों फॉर्म फिल करने की, सर लास्ट डेट पे ध्यान देंगे, ये मैंने पहले बोला था लास्ट डेट तक कोई नहीं रुकेगा, ठीक है? अभी बताते हैं प्रशांत चौहान ऑप्शनल कैसे चूज करें, सब बताएंगे। सिद्ध की क्लियर नहीं दिख रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता क्लियर नहीं दिख रहा, ये देखो अब तो दिख रहा होगा, ठीक है? देखो आपको क्या करना है, फिर से मैं वापस जा रहा हूं, ठीक है? आपको यहां से देखना है यूपीएससी की, पहले तो ये देखो वेबसाइट ऊपर डालनी है, ठीक है? उसके बाद ये आपको दिखेगा, देखो ऊपर से थर्ड नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे जाके आप क्लिक करेंगे, ये आएगा, ये खुलेगा, है ना? तो ये आप देख लें क्या है, तो देखो ये है, ऊपर लिखा है प्लीज चूज द एग्जामिनेशन टू अप्लाई, आवेदन के लिए परीक्षा का चयन करें। आप अपनी एग्जामिनेशन का कोड क्या है दोस्तों, आपको पता है CSP, हमें सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम IAS जो है उसका प्रीलिम्स एग्जाम देना है, वर्ष 2022 है, साथ ही साथ में नोटिस डेट ये है कल आया था दोस्तों। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 22 तारीख है, बट मैं फिर कह रहा हूं इस डेट तक हम बिल्कुल इंतजार नहीं करने वाले हैं, ठीक है? ये दो पार्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, देखो पहला पार्ट वन और पार्ट टू। पहला पार्ट वन नॉर्मल है, पार्ट टू नॉर्मल है, इसमें फोटो वगैरह होना है, ठीक है? आपके फोटो वगैरह अपलोड होते हैं, बस पहले पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले पार्ट वन पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है? यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, ठीक है? एप्लीकेंट शुड नोट दैट, ही आप एक बार पढ़ लेना सारे लोग इस चीज को। यहाँ पे मैं पार्ट वन पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मुझे किसका करना है दोस्तों, पार्ट वन का। सर मैं 1 सितंबर 2021 का होने वाला हूं, तो मैं क्या डाल सकता हूं फॉर्म? नहीं भाई आप नहीं डाल सकते मयंक वर्मा, आप पेपर देना चाहे दे सकते हैं, बट ठीक है आप एलिजिबल ही नहीं है अभी। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बुक्स भी बताएंगे, सारे ऑप्शनल पे मैं वीडियो करूंगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, बुशरा मलिक मैं बहुत अच्छा हूं और आपने पूछ लिया अब तो मैं और भी अच्छा हो गया। तो पार्ट वन की रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? तो यहां पर देखो कुछ पहले फॉर्म भरने से पहले सूचनाएं हैं आपके पास में, जो मेरे हिसाब से सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, ठीक है? तो एक बार आप ये पढ़ लेना, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, ऑनलाइन एप्लीकेंट्स टू पार्ट के अंदर फॉर्म भरेंगे, देखो ये सब बात लिखी हुई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते टाइम की जो जो चीजें आपको चाहिए, पार्ट टू का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो पार्ट वन रजिस्ट्रेशन में कह रहा है कि जो उम्मीदवार है उसको सामान्य जानकारी देनी होगी, विवरण प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार से दिए गए विवरण की जांच करने और आवेदन के संशोधन यदि कोई हो करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है? तो ये आपको देखना है। पार्ट टू जो है इसमें भी कुछ स्टेप हैं पार्ट टू के रजिस्ट्रेशन में। पहला क्या है, एक तो पेमेंट प्रोसेस है, पार्ट टू में आएगा, ठीक है? तो दूसरा आपको पार्ट टू में अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है? ये करना है, मतलब सेकेंड पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको भरने हैं, आपको अपना फोटोग्राफ देना है, ठीक है? सिग्नेचर, आपको अपनी फोटो आईडी, वो सब डालना है, बट वो उस सब चीज के लिए मैं जो अभी बात अभी बताऊंगा वो बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन पार्ट वन और पार्ट टू आपको 22 तारीख तक पहले फिल कर देना, 22 फरवरी तक, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। फोटोग्राफ्स के लिए यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मेट आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है? वैसे आज तक मेरे से कभी हुआ नहीं, बाकी आप ये वाला ध्यान रखना, ठीक है? जब भी आप या तो खुद फॉर्म फिल करें या किसी से आप कराएंगे, मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है, बादल साहू बादल बहुत अच्छे यार,
बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया मोहम्मद आसिफ, बहुत बढ़िया यार, मैं बहुत अच्छा हूँ यार, ठीक है एकदम बढ़िया। अभी देखिए दोस्तों, स्कैन फोटोग्राफ शुड बी इन द जेपीजी फॉर्मेट एंड मस्ट बी अपलोडेड फर्स्ट, है ना। इसमें ये आपको साइज याद रखना है, इट्स द फाइल जो है ये 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड नॉट लेस बी देन 20 KB, मतलब जो फोटोग्राफ वाला है वो 300 KB और जो सिग्नेचर वाला है वो इतना। रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, आपको सब दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे हम, ठीक है। ये फोटोग्राफ के लिए था, उसके बाद आपका स्कैन सिग्नेचर जो है जेपीजे फॉर्मेट का होना चाहिए उसका ये है दोस्तों। ये सिग्नेचर के लिए अलग अलग है दोनों, एक बार ये हम देख लेंगे। आपका जो फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड होगा दोस्तों, उसको आप पीडीएफ फॉर्म में क्या करोगे, जैसे आप आधार कार्ड हो गया या आपका जो है वोटिंग कार्ड हो गया, आप उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे क्या करोगे, अपलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आपको फीस जो है वो देनी है, वो सारी बात मैंने बता दी कल, आपको बताया था मैंने, फीस 100 रुपीज़ है और बाकी एक्सेम्प्टेड के लिए फ्री है, लड़कियों के लिए फ्री है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट विद लेस देन 40% डिसेबिलिटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी रिलैक्सेशन विच आर एप्लीकेबल टू द PWBD कैंडिडेट्स एंड आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस इफ नॉट एक्सेम्प्टेड। मतलब देखो, डिसेबिलिटी अगर 40% तक है आपकी तो आपको जो है फीस में कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल बात है, इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है कि बहुत तगड़ी बात है, फ़ोन नहीं ले जाना, मोबाइल नहीं जाना, ऐसी ऐसी बातें आपको लिखी मिलेगी। इसके बाद आप जब पढ़ने के बाद में इस पर सिर्फ यस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फॉर्म, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा जूम करके, तो ये आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, पार्ट वन रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, तो पर्सनल डिटेल आपको, व्यक्तिगत विवरण आपसे पूछा है। पहले नाम ध्यान रखना, नाम वही लिखना है जो आपकी मैट्रिक यानी कि 10th की सर्टिफिकेट में और 12th की सर्टिफिकेट में है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रॉब्लम सर, ये मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज है, अभी मैं कहीं और रहती हूँ। नहीं नहीं, आप उसका रहने का कोई दिक्कत नहीं है श्वेता, आप जहाँ का है वो डालेंगे, ठीक है। जो आपके उसमें आईडी कार्ड में है, अगर वो सही है, मान लो आप वहाँ रहते थे तो वो सही है, ठीक है, वो आप डालिएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स की क्लास बादल कल से शुरू कर रहे हैं दोस्त। अब यहाँ पे अपना नाम अपने को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालना है, तो सपोज मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने डाल दिया अपना नाम सुमित राठी, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, चलिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हो सके तो कैपिटल में डालना आप नाम, ठीक है। ये जो नाम है सब आप कैपिटल में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैपिटल में डालना, सुमित राठी मैंने डाल दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपको दूसरे नंबर पे चूज करना है, ठीक है, जेंडर चूज कर लिया हमने। डेट ऑफ बर्थ आप जो भी डालना चाहते हैं, जैसे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एंटर करेंगे। जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दी है, ठीक है, मैं ईयर डाल रहा हूँ। अब देखो ये स्टार्ट, आपको मैंने ईयर डाल दिया मेरा 1992, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेम भर दिया हमने, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख रहे हैं आप, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दी है। फादर नेम आपको डालना है, ठीक है, फादर नेम आप डाल देंगे, ठीक है, तो फादर नेम डाल देंगे आप, ठीक है। आप अपना जो है सब वो डालेंगे, तो मैं ऐसे अभी क्योंकि हम भर रहे हैं तो मैं एक नॉर्मल फॉर्मेट में आपको भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, किसी को भी ऐसा कोई श्री वगैरह ऐसा कुछ लगा के नहीं डालना है, ठीक है। नॉर्मल आप जो नाम है वो लिखिए, और नाम वो डालिएगा जो 10th की सर्टिफिकेट में है, ठीक है, वो जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नाम डाल देना है सारा, तो मम्मी का नाम डाल देना है, नेशनलिटी ऑब्वियस सी बात है, इंडियन हो या युगांडा से हो, कल बताया था ना मैंने, युगांडा के वासी भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक है। सर ये आप वैवाहिक है कि नहीं है, नहीं भाई वैवाहिक हो तो लिख देना, ठीक है। यहाँ चार ऑप्शन है, अनमैरिड, मैरिड, विडो और डिवोर्सी, ठीक है, आप डाल देना अनमैरिड है, ठीक है। कैंडिडेट विद PWP, ये फिजिकली और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, 40% से जिसको ज़्यादा है, ठीक है, उनका है। इसके लिए दोस्तों एक सर्टिफिकेट होती है, तो अगर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है, कितनी डिसेबिलिटी है वो अगर है तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, यस तो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कम्युनिटी पे जाते हैं दोस्तों, तो कम्युनिटी जो भी आपकी है, कम्युनिटी में ऑप्शन आ रहा है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उसके बाद जनरल, OBC, SC, ST, ठीक है। तो मैं जनरल से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं जनरल डाल दूंगा। डू यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं करते तो नहीं करना। फीस
रेमिशन अलाउड, अच्छा अगर हम माइनॉरिटी से हैं या किसी पर्टिकुलर, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं एस सी एस टी से डालता हूँ दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिर कोई भी फीस अपने से नहीं होगी, ठीक है, तो इन दैट केस फीस नहीं होगी, बट कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। एस सी एस टी कैंडिडेट क्लेमिंग रजिस्ट्रेशन मस्ट एंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट शुड हैव बी इशूड अर्लियर देन द क्लोजिंग डेट, मतलब आपका जो एग्जाम का जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपकी सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है दोस्तों, ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी उसका नाम डालना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट की डेट डालनी है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको भरनी होगी, बट मेरे पास नहीं है तो मैं जनरल से डाल लूंगा, तो मैं जनरल कर रहा हूँ, ठीक है। माइनॉरिटी से मैं बिलोंग नहीं करता, अगर आप करते हैं तो उसमें करेंगे। फीस मेरी कोई रेमिशन है नहीं, देखो फीस रेमिशन शुल्क में मांग, तो मेरी कोई मांग नहीं है भाई, मैं 100 रुपये भर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से नहीं हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखो, आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दो बातें आती हैं, ध्यान से देखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी पास द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम और अपियरिंग एट द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम, भाई या तो आप डिग्री एग्जाम कर चुके हैं या आप अपियर होने वाले हैं। सर मेरा 10th 12th में नेम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, छाया, पहली बात तो आप उसको करेक्ट कराइए और 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो डालिए, ठीक है। सर आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई यूज टू वॉच योर वीडियोज ऑन डेली बेसिस, सर आई रिक्वेस्ट टू डू, बिल्कुल यार कंटिन्यू करेंगे शब्बीर अहमद, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे दोस्त। मेरा ऑपरेशन हो रखा था, मेरे बैक के अंदर लाइपोमा रसोड़ी थी यार, वो निकलवाई है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका था, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूंगा। तो भाई अब मेरे से पूछेंगे कि आपने क्या किया हुआ है, देखो सेलेक्ट योर डिग्री, तो डिग्री मेरे से पूछ रहे हैं, पहले तो क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, देखो ये रहा सेलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मुझे क्या डालना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, भाई मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी पास की हुई है, जो अपीयरिंग है जो लास्ट ईयर में है वो भी भर सकते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं। सेलेक्ट डिग्री, डिग्री आपकी किस फील्ड में है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखो डिग्री इन एग्रीकल्चर, डिग्री इन इंजीनियरिंग, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ तो मैं डिग्री इन इंजीनियरिंग डाल दूंगा। बाकी इसमें क्या है ना दोस्तों, आपके पास में बहुत सारे प्रेफरेंसेस आते हैं, आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, आपने ग्रेजुएट है ज्योग्राफी से, सोशियोलॉजी से, पॉलिटिकल साइंस से, ग्रेजुएट है आप हिस्ट्री से, ग्रेजुएट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इकोनॉमिक्स से, है ना, मैथमेटिक्स में डिग्री है, ये सब देखो आप ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैं डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो मैंने डिग्री इन इंजीनियरिंग डाल दिया है, ठीक है। फॉर विच एग्जामिनेशन, अब देखो क्योंकि इंजीनियर हूं ना मैं, तो इंजीनियर हूं तो मैं साइंस हूं, साइंस से, इसीलिए अगर मैं यहाँ पे आर्ट्स डालता हूँ, मैं मान लो डाल देता हूँ यहाँ पर यार मैंने सोशल ज्योग्राफी डाल दिया, तो यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम है ये मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, सिर्फ मैं सिविल सर्विस एग्जाम ही दे पाऊंगा, यहाँ पर सेकेंड जो IFS का एग्जाम का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। लेकिन मेरा जो ग्रेजुएशन है दोस्तों वो साइंस साइड से है, इंजीनियर से है, तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस मेरे से मांगेगा कि किस एग्जाम के लिए आप कंसीडर कराना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है, तो मैं कराना चाहता हूँ भाई। आप देखो यहाँ पे है ऑप्शन सिविल सर्विस जो IAS IPS के लिए, और दूसरा देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दिख रहा होगा आपको सभी को, आई होप दिख रहा है भाई, तो सिविल सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और बोथ, ठीक है, तो देख लेना अगर आपके पास भाई क्षमता अधिक है तो आप दोनों में डाल सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। बाकी जनरली जो है बच्चे यही प्रीफर करते हैं, जैसे मैं एग्जाम देता हूं तो मुझे जो है मैं एग्जाम सिर्फ सिविल सर्विसेज का देता हूं, तो मैं ऑप्शन ये चूज करूंगा। अब यहां पर देखो ऊपर जैसे ही आप ये करते हो तो एक नोटिफिकेशन आता है, ध्यान से पढ़ना है, कैंडिडेट शुड नॉट दैट नो चेंज, अगर मतलब आपने एक बार ये भर दिया ना तो इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कोई चेंज नहीं कर सकते, आपने बोला ठीक है सर ओके कोई चेंज नहीं करेंगे। जिनको दोनों एग्जाम देना है या सिर्फ IFS का देना है वो ये क्लिक करना, बेटर ये होता है जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, अगर वो दोनों देना चाहते हैं वो दोनों फिल कर सकते हैं, ठीक है, बट ये आपके ऊपर है, डिसीजन आपको करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको नाम डाल देना है, ठीक है, आपका जो भी है, जैसे जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, तो मैंने डाल दिया जैसे विलेज मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है, ये मेरा अपना ओरिजिनल एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइन टू में मैंने डाल दिया भाई डिस्ट्रिक्ट मैंने डाल दिया, ठीक है, रेवाड़ी, ऐसे करके लाइन तीन में मैं डाल रहा हूँ स्टेट जो है, तो स्टेट तो आ ही गया, ठीक है, लाइन तीन में क्या डाल यार, कुछ भी डाल दिया, मतलब आपको अपना वो डालना है, ठीक है, पूरा हाउस नंबर करके मैंने डाल दिया 15-13 कुछ। अब आपसे देखो स्टेट पूछेगा तो भाई स्टेट जो है मेरा, स्टेट है मेरा हरियाणा, ठीक है, आप स्टेट डालेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट जो है उसका बात करेंगे, जैसे मैं अब रेवाड़ी मैंने डाल दिया है तो मैं रेवाड़ी देखता हूँ, ये रहा, ठीक है, पिन कोड मैंने डाल दिया जैसे 12222, ये ठीक है। फोन नंबर आपको है तो डाल दो, नहीं है तो अपना फोन नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर,
क्योंकि वो सब चीज़ यहीं भेजी जाएगी आपसे। कितने हो गए? ठीक है, ये हो गया। ईमेल आईडी भी आपको डालनी पड़ेगी दोस्तों। ईमेल आईडी हम डाल देते हैं कुछ भी, xyz@। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। फिर आपको कंफर्म भी करना है, तो सेम डालेंगे xyz@gmail.com। ठीक है, आवाज आ रही है आपको दोस्तों? अगर मान के चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं SC ST से डालता हूँ दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिर। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव आईडी कोई है तो डाल दो यार, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिया, एक बार आप देख सकते हैं। कुछ दिक्कत है तो आप चेंज करेंगे, अदरवाइज आप रीसेट करके क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू, पहला हो गया है। अब एज रिलैक्सेशन, आपने मतलब आयु में छूट अगर आपने कोई क्लेम किया है, दावा किया है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। करंट अफेयर की क्लास सुबोदीप अभी होगी 8 बजे, 8:15 से हम क्लास करेंगे, डोंट वरी। कल 8 बजे से क्लास होगी, तो यहाँ मेरा कोई एज रिलैक्सेशन में लेना नहीं चाहता। आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। जो है जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है या कोई रिजर्व एक्सटेंडेड कैटेगरी में है, तो वो जाकर क्या कर सकते हैं, वो अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, BMS डिग्री हूँ, उधर ऑप्शन नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ऑप्शन है, आप देखेंगे तभी तो। वहाँ पे इकोनॉमिक्स में होगा या किसी में होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, या उसमें एक ऑप्शन आता है अदर्स के नाम से, वो अदर्स डाल देना। ठीक है ना, उसमें एक ऑप्शन अदर है, वो डाल देना। अच्छा, यहाँ मैं मुझे डालना है कि मेरी फोटो आइडेंटिटी कार्ड कौन सी है, फोटो पहचान पत्र। अगर बाई चांस आपका नहीं है तो अदर्स करके डाल सकते हैं आप। फोटो आइडेंटिटी कार्ड मुझे डालना है सबसे पहले, तो मैं जैसे आधार कार्ड डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आधार कार्ड का डाल दिया, अभी आधार कार्ड डालेंगे। अब आधार कार्ड जो होता है दोस्तों, उनका पता है आपको, तो यहाँ नंबर डालने पड़ेंगे अपने को। सोलह नंबर का आधार कार्ड है, मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का अपना नंबर डाल दिया फोटो पहचान पत्र के नाम से। ठीक है, क्योंकि आधार जो आपने डाला है ना, मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था, जो आपकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप लेके बैठे हैं उसी का नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके अलावा फिर जो आपने संख्या डाली है उसको दोबारा से कन्फर्म करना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन में देखो आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी थी, आपने डाल दिया कि सर हम तो इंटेलिजेंट है, 85% नंबर थे हमारे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के नाम भी डालना, वो भी डालने पड़ेंगे यार यहाँ पे, कि ग्रेजुएशन में आपके पास कितने परसेंट आपके मार्क्स थे, कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं। ये बात बहुत ध्यान से देखना यार, कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं। और अटेम्प्ट देने में क्या काउंट करना है आपको, जो वास्तव में आपने जिसमें जाके पेपर में बैठे थे, आपने अटेंडेंस शीट पे साइन किया है, वो आपको डालना है। तो मैं एक बार भी नहीं गया हूँ तो मैं जीरो डाल लूंगा भाई, मैं एक बार पेपर दे चुका हूँ। फॉर्म भरना काउंट नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सर BA इन एजुकेशन का ऑप्शन को कैसे फिल करें? BA देखो, BA अगर आपने किया है ना, BA मतलब आर्ट्स में किया है, तो आर्ट्स में जब आप करते हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हो ना, नहीं है तो अदर्स रखना। अगर किसी का मान लो उसमें नहीं है तो आप अदर्स करके रख सकते हैं। ठीक है, अदर्स में जा सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितने किए हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड, ठीक है, कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, तो आपको यहाँ सिर्फ वो भरना है जो आप अटेम्प्ट दे के आए हैं, सिर्फ फॉर्म भरने को काउंट नहीं करना है। समझ में आ गई बात? तो मान लो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मैंने भर दिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, और ये ऑनेस्टली भरना, ऐसे मत करना कि ठीक है मैं भर देता हूँ, किसको क्या पता। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहां पर आते हैं, तो ये वो डिटेल है जो मेंस के लिए आपको डालनी है, स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर मेंस। मेंस का सेंटर आपको कहाँ लेना है, मेंस का सेंटर आपको बताना पड़ेगा। मेंस का सेंटर जैसे जो भी इसमें आए, जो आपके पास पढ़ता हो, कल मैंने बोला था सेंटर वही लेना जो पास में, ये नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड पढ़ती है दिल्ली में तो मैं दिल्ली जाऊंगा पेपर देने, है ना। सर अभी BEWS बनवा सकते हैं, पूजा, लेकिन 22 तारीख से पहले बन जाना चाहिए।
लैंग्वेज मीडियम फॉर द एग्जामिनेशन, जीएस के पेपर आप कैसे देंगे, पेपर वन से पेपर फाइव तक कैसे देंगे, ठीक है। जो बच्चे हिंदी देना चाहें हिंदी इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है जो आप चूज करना चाहें, ये इन इन एग्जाम उसमें आप एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर वन टू फाइव, तो यहाँ पर जो भी आपको एग्जामिनेशन का अपना मीडियम रखना है वो आप ये दे लेंगे। जैसे मैं इंग्लिश में दूंगा तो इंग्लिश, किसी बच्चे को हिंदी मीडियम से पेपर देना है तो ये हिंदी रहा, ठीक है। आप भर सकते हैं लेकिन ध्यान से भरना, जो भी आप भरना चाहते हैं वो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल पेपर जो होता है वो सेलेक्ट करना होता है आपको, ठीक है। उसकी लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करनी अलग से होती है, मतलब ऑप्शनल जो है वो आप अलग से दे सकते हैं। तो ऑप्शनल जो पहले तो आपको चूज क्या करना है, ऑप्शनल पेपर। तो मैं ऑप्शनल पेपर जैसे ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप ये सेलेक्ट कैसे करना है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, कि कैसे ऑप्शनल चूज करें, कौन सा ऑप्शनल बेटर है, इस पर एक वीडियो बना दूंगा प्रीवियस चीजों को एनालाइज करके। बट अभी इस पर सवाल मत पूछना। लेट से मैंने ज्योग्राफी फिल कर दिया, उसके बाद उसका मीडियम क्या होगा, ठीक है। मीडियम इंग्लिश ही है क्योंकि मेरा इंग्लिश ही आ रहा है उसमें ऑप्शन, ठीक है। आप क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या इससे बिलोंग करते हैं तो आप इसमें लिखेंगे, अगर नहीं करते तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज है। इसके बाद सारी एंट्री इस पेज में मैंडेटरी थी तो मैंने सब भर दिया है, देखो सब हो गया, ठीक है, सब हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। लिखा है देखो, प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर हेल, मैं बिलोंग ही नहीं करता तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, सेलेक्ट द, अच्छा पेपर ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अभी कुछ बचा हुआ है इसमें, वेट, हाँ ये रहा नीचे, सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर ए, ठीक है। अब लैंग्वेज मैं इनसे इन स्टेट से बिलोंग नहीं करता, तो एक पेपर ए होता है ना 300 नंबर का कंपलसरी, तो उसकी, और इसमें आप इस पर्टिकुलर उसमें आप जो 8th शेड्यूल में कोई भी लैंग्वेज है वो ले सकते हैं, कंपलसरी पेपर होता है। जनरली जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो हिंदी में देते हैं, तो मैं हिंदी सेलेक्ट, और इसमें 10th तक की आएगी जो हिंदी आपने पढ़ी है। हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, नेपाली, उड़िया, ये जो 8th शेड्यूल में लिखी है ये आप इसमें से चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 8th शेड्यूल के अंदर में इसमें देखो हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, उसके बाद में मैथिली, उसके बाद मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, ठीक है। उसके बाद संस्कृत, ये लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है इसके अंदर। तो हमें जो चूज़ करनी है, जनरली जो चूज़ करते हैं जैसे हिंदी, तो ये कंपलसरी पेपर होता है जो पास करना होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये जो है यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है मेरा, तो ये मुझे ध्यान रखना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि पार्ट टू के लिए चाहिए होगा ना मुझे, ठीक है। तो ये हम क्या कर लेते हैं इसको आगे के लिए। अब ये देखो सारा जो मैंने फिल किया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। सुमित, मेल, ये सब चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया, अगर सही है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो नंबर लिखा हुआ है डाल के 73XZU3, ठीक है। एग्री करते हैं तो आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आप बोल देंगे कि भाई आई एग्री, सारी चीज सही है, और अगर आपको लग रहा है किसी चीज में अपडेट करना है कुछ तो अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। सर जी, नॉन कॉलेज स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। भाई नॉन कॉलेज, यार देखो फॉर्म तो महेंद्र भर सकते हो, गलत सलत मैंने भी भर दिया ना, लेकिन जब बाद में होगा तो फिर क्या करोगे। इस बार यूपीएससी आईएफओएस की नोटिफिकेशन नहीं आई क्या शेख, ऐसी कोई आईएफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अलग से नोटिफिकेशन नहीं आती दोस्त, वो यही नोटिफिकेशन होती है एक ही, ठीक है। रितु सिंह, अभी क्लास सारी मिलेगी आपको, टेंशन ना लीजिए, इसी चैनल पे यहीं पे टेंशन मत लो, ठीक है। और बताइए सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास भी, अरे सब कर दूंगा यार, अभी आया हूं मैं, ठीक है। आप हम सबसे बहुत आपने मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया सचिन, बहुत मिस किया दोस्त। हाँ बंगाली ले सकते हैं रिया, अगर उसमें है तो आप बंगाली, जो उसमें है यार वो ले सकते हैं, ठीक है, कोई आपको मना नहीं कर रहा, आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद ये फॉर्म हो गया, पार्ट वन मैंने अग्री कर दिया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन देखो आपने एक बार अग्री कर दिया ना तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं पार्ट वन में, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई मुझे कोई चेंज करना भी नहीं है। तो ये आ गया, ठीक है, मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस मेरा, देखो ये सब आ गया, ठीक है। अब ये चीज हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पार्ट टू में फिल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ अभी यूपीएससी एनआईसी, ठीक है, पार्ट टू। अब सेम जाएंगे, ये मेरे पास है, देखो फर्स्ट पार्ट फिल कर दिया हमने, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आईडी, और ये आ गया। अब पार्ट टू मुझे फिल करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं पार्ट टू क्लिक करूंगा, ठीक है। अब पार्ट टू में मुझे पहले, सबसे पहले क्या डालना है अपना दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर।
तो जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ है मैं उसको इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ये हमने कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने क्या डाली थी इसमें, थर्ड, क्या ध्यान ही नहीं है यार मेरे को, तो मई डाला था ना शायद, मई। और यहाँ पे मैंने डाला था 1992, ठीक है, ये हो गया है। और उसके बाद में हम ये डालेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है 217SHG, ठीक है, इसको सबमिट कर देंगे। क्या कह रहा है, प्लीज़ चेक द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, जांच कर लें, ठीक है भाई, मेरा तो पता नहीं है। तो ऐसे करके हम पार्ट टू में जाएंगे। ये पार्ट वन हमारा हो गया है, ठीक है, थर्ड ये था ना, एक सेकेंड में अभी दोबारा फिल करके देखता हूँ, रुकिए। वन डबल टू, वन डबल फोर, सेवन फोर वन फोर, सेवन फोर वन सिक्स फोर। ये सिर्फ मैं आपको यार फिल करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए, एक आइडिया लग जाए कि कैसे फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा यार, अच्छा एक सेकेंड रुकना, 1992। ये पहले आपको पहले ये ध्यान रखना, पहले यहाँ पे ईयर करना है, फिर ये मंथ, तब जाके करेगा भाई थर्ड, ऐसे एक करेगा, नहीं तो ये आ ही नहीं रहा था यार। जी बी 97X4, ठीक है, ये कर दिया मैंने, सबमिट कर दिया। अब देखो ये ओपन हो गया है। अब देखो सबसे पहले पेमेंट मांगेगा यार, अब पेमेंट मत करवाओ, ठीक है, पेमेंट मांगेगा तो आपको पेमेंट देखनी है, अगर आप SBI ब्रांच से चालान से करना चाहते हैं, या आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड से या नेट बैंकिंग से, तो पहले आप ये भरेंगे तभी आगे बढ़ेगी बात। पेमेंट करने के बाद फिर आपका देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पर ना आपसे फोटो आइडेंटिटी ये सब लिया जाएगा, ठीक है, इधर दिख रहा होगा आपको। और फिर सेंटर सिलेक्शन, लास्ट में सेंटर आएगा, यहाँ पे दिख रहा है, टॉप में दिख रहा है भाई सभी को, ये दिख रहा है दोस्तों सभी को। अरे कोई लेट नहीं है आरोही, बिल्कुल लेट नहीं है आप, ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं यार सभी फॉर्म भर दो, बाद में देखेंगे दोस्त। देखो फॉर्म सभी भरेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरी, अगर आप मेरे साथ हैं, जुड़े हैं, मेरे स्टूडेंट है तो ठीक है, आप फॉर्म सभी भरेंगे। किसी के पास पैसे नहीं हो तो बताना यार, वो भी कर लेंगे, लेकिन फॉर्म सभी भरेंगे। आप उसके बाद में देखेंगे एक पेपर देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। हाँ यस अभिमन्यु, फाइनल ईयर कैन अप्लाई। आकाश मी टू यार, बिल्कुल फाइनल ईयर अपीयर कर सकते हैं, ठीक है।